नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं JJU के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरे पीछे जैसे ऑडिटोरियम चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम देख रहे हैं। कल राज्यपाल का, जो हरियाणा राज्यपाल है, यहाँ पे आगमन होगा और कई कार्यक्रमों में राज्यपाल यहाँ पे भाग लेंगे। कुछ नया दिख रहा है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स लीडर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, DASPI के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कल जो राज्यपाल यहाँ पे आ रहे हैं उसको लेकर के ये क्या मांगे रखने वाले हैं और किन समस्याओं को यहाँ से जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स को आ रही हैं उनको मांग के तौर पे रखने वाले हैं। हमारे से DASPI के जुड़े हुए हैं मनोज अठवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो कल राज्यपाल साहब आ रहे हैं यहाँ पे, और क्या कार्यक्रम स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रहेगा? कल हरियाणा के जो राज्यपाल है बंगारू दत्तात्रेय जी, वो विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। वो पहली बार राज्यपाल बनने के बाद पहली बार विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और उनका एक ऑफिशियल कार्यक्रम है। परंतु हम लगातार लंबे समय से देख रहे हैं कि इस तरह के ऑफिशियल कार्यक्रम होते रहते हैं, वो अपना एक भाषण होता रहता है, उसके बाद जो है स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उन पर कोई काम नहीं होता है। तो अब की बार जो हमारा संगठन है डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया की, जो हमारी जो गुरुजम यूनिवर्सिटी की जो टीम है, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल को अपनी समस्याओं से और जो छात्र हितों की जो मांगे हैं उनको अवगत करवाएंगे उनसे। इसमें हमने 10 मांगों को कंक्लूड किया है जो यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या मांगे रहेंगे आपकी मुख्यतः? अपनी राज्यपाल को जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है वो तो अपनी बात रखेगा ही, स्टूडेंट किस तरफ से क्या रहेगा? कि जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो बात रखेगी वो राज्यपाल के हक की बात ही होगी, वो ज़्यादा, क्योंकि वो तो उनके अधीन आते हैं, क्योंकि राज्यपाल के साथ साथ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कोई उनको कोई मांग पत्र नहीं दिया जाएगा, वो तो उनकी सिर्फ आवभगत में ही लगे रहेंगे सारे। परंतु बींग ए स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियों को जारी रखें और छात्र हितों में जो बेहतर हो सकता है उसके लिए कार्यरत रहें। ऐसे में मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर जो हमारा 10 सूत्री मांग है उसमें एक महत्वपूर्ण मांग ये कि इस समय हरियाणा में 42 छोटी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22 के करीब जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट का वाइस चांसलर या शेड्यूल कास्ट से रजिस्ट्रार नहीं लगाया गया। ये बहुत बड़ी अनदेखी है शेड्यूल कास्ट समाज की, जो कि इतनी संख्या में यूनिवर्सिटी होने के बाद एक भी यूनिवर्सिटी में कोई गवर्नर द्वारा कोई VC या फिर कोई रजिस्ट्रार नहीं लगाया गया। तो ये साफ तौर पर सरकार की और राज्यपाल महोदय की जो है मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि कैसे वो शेड्यूल कास्ट के समाज की तरफ से किसी भी आदमी को अच्छे पद पर नहीं दे रहे हैं। तो एक हमारी बेसिक मांग है कि हरियाणा राज्य में संविधान सम्मत जो 22% का जो अधिकार है प्रतिनिधित्व का, जो शेड्यूल के 100 अगर आदमी लगते हैं तो 22 लोग शेड्यूल कास्ट से संबंधित होने चाहिए, उस नियम का पालन करते हुए राज्यपाल को हरियाणा की तमाम विश्वविद्यालयों में कुछ जगहों पर शेड्यूल कास्ट से संबंधित वाइस चांसलर और जो रजिस्ट्रार हों देने चाहिए। एक हमारी ये मांग है, काफ़ी लंबे समय से हम ये मांग चल भी रही है। दूसरी, जो SC और BC के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है जो केंद्र सरकार की तरफ से आती है और राज्य सरकार उसका आवंटन करती है, वो स्कॉलरशिप 2016 से नहीं आई अब तक। और ऐसे में हो क्या रहा है, बच्चे कोर्स पूरा करके चले गए परंतु स्कॉलरशिप नहीं आई, इस चक्कर में उनको डिग्री नहीं मिल रही है उनकी, क्योंकि स्कॉलरशिप आएगी तो वो बच्चे फीस जमा कराएंगे और डिग्री मिलेगी। अब डिग्री पूरी होने के बाद भी बच्चों को डिग्री नहीं मिल रही है। तो दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि जो रुकी हुई स्कॉलरशिप है वो तुरंत आवंटित करें ताकि बच्चे उसकी फीस भर सकें और अपनी डिग्री प्राप्त कर सकें। एक महत्वपूर्ण मांग है हमारी। तीसरा, सबसे अहम विषय जो रिसर्च का है यूनिवर्सिटी में, रिसर्च स्कॉलर्स का जो एडमिशन होता है, जो PhD के लिए एडमिशन जो होते हैं उसमें यहाँ आरक्षण नहीं है, और प्रोफेसर जो हैं मनचाहे तरीके से जिसको प्रवेश देना चाहें उसको प्रवेश दे रहे हैं। ऐसे में जातीयता का, सजातीयता का अपने नज़दीकी लोगों को लाभ पहुँचाते हैं प्रोफेसर भी। हमारा ये मानना है कि प्रवेश परीक्षा चाहे किसी तरीके से हो, चाहे कंसेंट सिस्टम से हो, चाहे एंट्रेंस पेपर लेके किया जाए PhD में प्रवेश, परंतु ये तो फिक्स होना ही चाहिए कि कितनी सीटें हैं, इतनी सीटें निकलेंगी और आरक्षण उनमें दिया जाए। और प्रत्येक प्रोफेसर के पास मान लीजिए जो नियम है, जो रोस्टर का जो नियम है कि अगर 4 पोस्ट निकलते हैं तो एक पोस्ट SC की होगी, एक सीट जो SC की होगी, इस नियम को पालन किया जाए। अन्य कोर्सेज में हो रहा है बट PhD के एडमिशन में नहीं हो रहा ऐसा। तो हमारी एक मांग ये है कि PhD में भी आरक्षण सिस्टम को, जो आरक्षण नीति है, जो लागू किया जाए। कुछ अन्य हमारी मांगे हैं कि यहाँ पे एक स्कूल नहीं है, 25 साल से यूनिवर्सिटी चल रही है और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कर्मचारी हैं, परिवार रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी PhD लेवल तक आते आते शादीशुदा हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा, उसके बच्चे उसके साथ लाने हैं या यहाँ कोई यहाँ रह रहा है कोई विश्वविद्यालय परिसर में, तो विश्वविद्यालय परिसर में अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाह रहा है तो विश्वविद्यालय परिसर में कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में स्कूल की व्यवस्था है।
बच्चों को अपनी गैर शैक्षणिक एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि कोई तैयारी करनी है, कोई रिहर्सल करनी है, किसी प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ कॉमन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर नहीं है कोई भी, जहाँ बैठ के बच्चे अपने कुछ काम कर सकें, वो नहीं है। एक हमारी मांग ये है इसमें, तो ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है विश्वविद्यालय के लिए, और बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, एक छात्र संघ के एक पदाधिकारी होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग छात्र हितों में ये बात कहें। वाइस चांसलर को हम ये बात कई बार कह चुके हैं, परंतु वाइस चांसलर के पास एक्चुअली क्या है कि ये वाइस चांसलर HAU के वाइस चांसलर उनके पास चार्ज है हमारी यूनिवर्सिटी का भी, तो वो इस यूनिवर्सिटी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो या आप लिखित में DASPI की तरफ से जो है लिखित में ये सारी मांगे जो है माननीय राज्यपाल हरियाणा को देंगे? हम ये मांग पत्र उनको देना चाह रहे हैं, परंतु अगर प्रशासन हमें उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिलवाता है या हमें उनसे नहीं मिलने दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में हम जो ये ऑडिटोरियम है जिसके अंदर सर का प्रोग्राम है, राज्यपाल जी का प्रोग्राम है, उसके बाहर खड़े ही रहेंगे जब तक उनका कार्यक्रम चलेगा। हम उनको विज्ञापन पत्र देने की स्थिति में जब तक नहीं आ जाते, हम उनका यहाँ रास्ते पर खड़े होकर उनका इंतजार करेंगे। हालांकि लोकल प्रशासन जो हमारी यूनिवर्सिटी का है, जिसमें प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य, उनसे हम मिले थे, हमने उनको विज्ञापन पत्र दे दिया है कि ये मांगे हमारी, आप हमारी मांगे कन्वे कीजिए। उन्होंने हमसे ब्रीफिंग ली है हमारे विज्ञापन पत्र की, वो सहमत भी हैं कि सारी मांगे ठीक है आपकी, परंतु अब हमें ये देखना है कि क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र हितों की मांगों को राज्यपाल तक पहुंचा पाता है, पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। अगर ये नहीं पहुंचाता है राज्यपाल तक ये बातें, तो फिर हम कल, क्योंकि इसी ऑडिटोरियम के सामने प्रोग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा जो आप लिए हुए हैं, इसका क्या राज है? ये बड़े भाई रोहित वेमुला की फ़ोटो है। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे थे और अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, शेड्यूल कास्ट से संबंधित PhD स्कॉलर थे। जातीय तौर पर इनका शोषण हुआ और इनका नाम काट दिया गया और इनका हॉस्टल खाली करवाने के आदेश दे दिए गए। तो आज, फिर आज आपके हाथ में ये फोटो देखने मिल रही, आज विशेष क्या है और कल क्या होगा? देखिए, रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट के उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके साथ यूनिवर्सिटी में, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन में शोषण होता है। एक PhD स्कॉलर बच्चे का, जो टॉपर स्टूडेंट था, उसका नाम काट दिया जाना, उसको हॉस्टल से खाली करवा दिया जाना, फिर अचानक ये पता लगना कि उसकी मौत हो गई, तो वो मौत बड़ी संदिग्ध रही थी और पूरे देश में इस बात की आवाज़ उठी थी कि शैक्षणिक संस्थानों में शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों की का जो शोषण होता है, उसके कारण ये SC के बच्चे जो है, ST के बच्चे जो है मृत्यु इनकी ज़्यादा होती है। तो हम रोहित वेमुला के सम्मान में, हमने तब से हम कह रहे थे कि रोहित वेमुला को न्याय दिया जाना चाहिए, और आज भी हमारे लिए रोहित वेमुला एक रोल मॉडल के तौर पर है। और रोहित वेमुला ने जो शहादत दी है SC के बच्चों के लिए, ST के बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, तो हम रोहित वेमुला को अपना आदर्श नेता मानते हैं। रोहित वेमुला की जो प्रतिमा है, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे, उनका माल्यार्पण का कार्यक्रम भी हमने कल रहेगा रखा है जी रखा है जी। तो और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे पदाधिकारी DASPI के जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे संगठन में जो प्रवक्ता होते हैं, जो हमारे आदरणीय मनोज अठवाल जी हैं, जो इन्होंने बात रखी है, हम उन्हीं की बातों का इनके साथ समर्थन करते हैं और इन्हीं के साथ जुड़कर और इन्हीं के साथ इनके मार्गदर्शन में जो ये कार्यक्रम रखेंगे, हम उनका पालना करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, हमारे साथ DASPI के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं। मनोज जी ने तुरंत कई बातें हमारे सामने रखी जिनकी मांग को लेकर के कल राज्यपाल से जो ये अपना मांग पत्र स्टूडेंट DASPI स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रखने जा रहे हैं। देखते हैं कल इनकी मांग को ये राज्यपाल से रख पाते हैं या नहीं। बने रहिए PMF न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार।